Welcome to Hotel Nikko Narita in Japan. So I am seeing a trophy here and I would like to know something, but before that I would like to know about yourself and your name and from where exactly you are and how you are here. My name is Aabhar Sharma and I am from Delhi itself. I have gone to Hanmaden 2015 with Team Maspa. Being a female combatant, we, all of us, let's say, have different kind of fears with us that how we'll travel to such a far place and any kind of mishap or any kind of misbehavior can happen. But it's a very good experience. All the teammates, coach, Dr. Rajneesh, everyone is very friendly, very helpful in different ways. My stay there was such a wonderful experience and moreover, I won this trophy also. Yeah, that's what we are seeing here and you are from India. Yes, I'm from India and the capital, Delhi. Okay, so can you tell me about that, which championship it was, where it was exactly and how was the preparation for it and how the selection, everything and how this journey came? See, it has not been a very long time since I have been in a regular practicing of Taekwondo. Though I have been doing it for many years, but I have not been in a regular practice. So this time I decided that I should give it a chance. So, we contacted Team Maspa. They have guided us in every way about the championships, about the events in which we can participate as per our age group. And he guided us to actually prepare it in a way that every person, international player, should prepare it. तो मैं कहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने हमें गाइड किया हर इवेंट के बारे में और हर पर्टिकुलर छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जिससे कि हम एक विनिंग प्लेयर बन सके. अब ये जो चैंपियनशिप थी ये आपकी साउथ कोरिया में थी और ये हैनमाडेंग वर्ल्ड हैनमाडेंग था. बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत बड़ा इवेंट था आपकी बार. लगभग मोर देन 5,000 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट किया दिस टाइम. सो इट्स अ बिग बिग इवेंट. उस हिसाब से अगर हम देखें तो विनिंग टीम होना इज अ वेरी बिग थिंग. तो आपने किस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था इसमें? देखिए इसमें अब की बार कोरियोगी नहीं था, विच इज अ फाइट, वो नहीं था इसके बार अब की बार. और बीइंग हमारा एज ग्रुप अगर हम कैटेगराइज करें तो उसके हिसाब से मुझे सर ने सजेस्ट किया कि आप पुमसी में पार्टिसिपेट कीजिए. दो फीमेल्स के लिए और ऑप्शंस भी होती हैं, लाइक टाइल ब्रेकिंग का, विच इज विद हैंड किक्स, जो सर ने हमें सजेस्ट किया. बट उन्होंने कहा कि आप दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो यू कैन स्टार्ट विद पूंछ एंड लेटर ऑन वी विल सी. हम लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से मे बी नेक्स्ट ईयर हम किसी और चीज में भी पार्टिसिपेट करें. और बेस्ट चीज ये है कि सर डॉक्टर रजनीश बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं हर एक इवेंट को लेके. तो आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चैंपियनशिप को लेके चाहिए हो तो वो आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं. और ऐसा नहीं होता है कि वहां जाके सडनली यू फाइंड योरसेल्फ इन सूप. तो जितना भी पर्टिकुलर चीजें बताई जाती हैं वो वहां पर जब हम जाते हैं एंड वी फील इट कि वी नो एवरीथिंग. ओके, तो आपने पुमसे के इवेंट में पार्टिसिपेट किया, कैसा अनुभव रहा वो हमारे साथियों के साथ थोड़ा सा साझा जरूर करें. मेरा ये फर्स्ट टाइम था किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट जितनी भी टीम्स वहां पर आई थी बहुत हेल्पफुल, बहुत फ्रेंडली, दूसरे को चेयर अप करने वाली थी. और हमने अपने जो बाकी लोग हैं उनको चेयर अप किया, उन्होंने हमें चेयर अप किया, हर किसी के लिए तालियां बजी और बहुत ही एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर था.
जब आप इंडिया से यहाँ के लिए आपका चयन हुआ और आप इस प्रतियोगिता में आए, किस तरह की दुविधा, बाधाएं या मुश्किलें आपके सामने आई है? आपने किस तरह की तैयारियां की, क्योंकि इतने बड़े इवेंट के लिए आना और हर तरह की तैयारी होती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट से, वीजा से लेके और अन्य कई तरह की तैयारियां? सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगी कि वो तो एक बहुत बात की बात होती है, सबसे पहले एक बीइंग अ लेडी, एक फीमेल होने के होना और आप किसी भी चैंपियनशिप में जा रहे हैं तो बहुत सारे मन में भय होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, वहां पर जा रहे हैं तो एनवायरमेंट कैसा होगा या हम जिन लोगों के साथ जा रहे हैं किस तरह से बिहेव करेंगे, उस तरह की बहुत सारे टेंशन्स होती हैं हर किसी के लिए। बट जब मैं पहली बार जाके सर से मिली और हमने डिस्कस किया तो आई फाइंड इट कि मैं ऐसे ही टीम के साथ जा रही हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। सर ने जो भी डिटेल्स हमें बताई थी उन्होंने हमें पहले ही सब चीजों के बारे में बता दिया था, ये वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पासपोर्ट्स के लिए, पासपोर्ट वगैरह के फॉर्मेलिटीज के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सब उन्होंने हमें पहले बता दिया था। दो आई एम हैविंग अ पासपोर्ट बिफोर ऑल्सो एंड इट्स रिकमेंडेड फॉर एवरीवन कि आपका अपना पासपोर्ट कम से कम भी 6-7 महीने पहले एकदम प्रिपेयर रखें अगर आप किसी भी चैंपियनशिप पे जाना चाहते हैं तो, उससे बहुत सारी पॉपुलेशंस का। बट हाँ, अगर हम वीजा की बात करें तो हमें कोई भी टेंशन नहीं हुई उस बारे में, लेके सर ने जो डॉक्यूमेंट्स हमें बताए थे हमने वो डॉक्यूमेंट्स सर को प्रोवाइड किए और वी आर जस्ट रिलैक्सिंग आउट देयर। हमें तो मालूम भी नहीं चला कि कैसे ये सारा प्रोसेस हो गया। फाइनली भी हमें सिर्फ ये बताया गया कि आपका वीजा प्रोसेस हो गया है, टिकट्स वगैरह सब कुछ कंफर्म है, आपका एक पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम पे पहुंची और हम यहाँ आ गए। सो ये जर्नी आपने किस दिन शुरू की, आप कैसे कहाँ आए और आपने क्या देखा और वहाँ के लोग कैसे रहे, प्रतियोगी भी और अन्य जो है वहाँ के लोग, उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनके बाकी आपने शॉपिंग भी की होंगी और वो सारी चीजें जो आपने देखी हमारे साथ साझा करें। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि हम लोग का ये तकरीबन पूरे 9-10 दिन लंबा ट्रिप रहा और बेस्ट पार्ट ये था कि जो टीम ने जो इसको ऑर्गेनाइज किया था वो इतने अच्छे तरीके से किया था। इनिशियली हम लोग थोड़ा सा पहले पहुंचे थे और हम लोग उस एटमोसफियर में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोग सेम डे पहुंच जाते हैं, आप जेट लैग से फटीग्ड होते हैं, आप थके हुए होते हैं, आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो हमारे टीम में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, हमें थोड़ा सा पहले पहुंचाया गया था ताकि हम लोग अपने आप को इस एटमोसफियर में एडजस्ट कर लें। और फाइनली हम लोग थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस का भी टाइम मिला वहां पे, वी हैव प्रैक्टिस, सर हमेशा हमें गाइड करने के लिए वहां पे थे किस तरह से करिए, क्या करिए। इनफैक्ट सर, बिकॉज सर का काफी सीनियर्स जो हैं कुकी बन के, उनके साथ बहुत अच्छे से अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, तो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हमें उनसे भी गाइडेंस मिली कि अगर हम थोड़ा सा भी कहीं पे चूक रहे थे तो उन्होंने हमें गाइड किया। एंड द रेफरीज एंड ऑल, सर सबको जानते हैं अच्छे से और बहुत अच्छे रिलेशन है, एवरीबॉडी वाज बीइंग वेरी नाइस टू हिम आल्सो, हमारे साथ भी, तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस उस तरह से देखा जाए तो। और फिर उसके बाद जब हम चैंपियनशिप में गए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी लोग थे वहां पे वो बहुत एनकरेजिंग थे आपको लेके कि अरे आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड गुड, आप अच्छा करिए, और देवर एनकरेजिंग की टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप कीजिए। बहुत ही अच्छा एटमोसफियर था चैंपियनशिप का भी, फाइनली हमने ट्रॉफी जीता और वी हैड कपल ऑफ फोटोग्राफ्स आल्सो वहां पे। उसके बाद द बेस्ट पार्ट इज कि वो एक इवेंट को लेके सारा था एंड देन वाज द एंजॉयमेंट पार्ट अदर से। अब हम लोगों को शॉपिंग के लिए भी एक जगह पे लेके गए सर, एंड बेस्ट पार्ट इज कि वो जगह बहुत ही अच्छी और हम लोग वहां पे काफी घूमे रात को और दिन में, और जो शॉपिंग के लिए जो चीजें हैं वो बहुत चीप थी कंपेरेटिव टू इंडिया ऑल्सो। अगर मैं कहूँ तो कुछ चीजें इतनी चीप थी कि आप सोचें कि मैं पूरा बैग ही भर लूँ उनसे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चैंपियनशिप आपकी प्योंगटेक में थी, तो ये जो शॉपिंग वगैरह ये प्योंगटेक में ही था या कहीं और भी घूमे आप? नहीं, ये प्योंगटेक में नहीं था, ये चैंपियन जो हमारा शॉपिंग का एरिया था वो हमें स्पेशली वहां लेके जाया गया। इनफैक्ट वी हैड अ
ट्यूब एक्सपीरियंस ऑल्सो, वो बेस्ट था कि हम लोग वहाँ के लोकल जो भी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं हम उसमें ट्रेवल किया. वहाँ के जो आम आदमी है जो इंग्लिश से इतने फेमिलियर नहीं है उनके साथ हमने बात किया. और वहाँ की लोकल खाना तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम लोग नहीं खा सकते हैं उसकी, तो हम लोग इंडियंस के हिसाब से हम लोग नहीं खा सकते. बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है अमेजिंग, बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छे थे. और कंपैरिजन टू प्योंगटेक विच इज वेरी कॉस्टली, सर हमें जिस जगह लेके गए शॉपिंग के लिए वो एक जगह बहुत ही रीजनेबल रेट की थी. तो मैं आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि अगर आपको जाना है तो मैं रेकमेंड करूंगी आप 3 माह के साथ जाए. अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए, एक महिला होने के नाते और आपकी उम्र भी मुझे लगता है ठीक ही होगी, एंड आई थिंक मैरिड भी होंगे आप और हो सकता है बच्चे बच्चे भी हों, तो ये तो अगर मैं आपको इस तरह से कंपेयर करूं कि जैसे हम कहते हैं कि मैरी कॉम शादीशुदा है, बच्चों वाली है, विश्व में बॉक्सिंग का उसने अपना एक स्थान बनाया, तो आज आप भी विश्व में एक स्थान लेके आए हैं अपना, तो ऐसे में आप महिलाओं के लिए जो है या जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि आप इस एज में अगर कर सकते हैं तो वो जो यंगस्टर्स हैं खास करके उनके लिए क्या संदेश है? देखिए मैं तो कहूंगी कि जितनी भी गर्ल्स या फीमेल्स हैं आप इसको चैंपियनशिप की तरह भी देख सकते हैं. फीमेल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक वो स्पोर्ट्स में एक्टिव होती हैं बट सडनली इंडिया में वो कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, तो आप कितने भी एक्टिव क्यों ना हो फैमिली सबको देखने के बाद आपके जो ट्रू जो आपकी चाहत होती है वो कहीं पर खत्म हो जाती है. तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप इसको करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज सर के गाइडेंस के हिसाब से आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. और फाइनली ये जो 9-10 दिन का ट्रिप होता है आप इस पे जाइए एंड आप इसको एक छोटा वेकेशन मान लीजिए, बिकॉज फैमिली की टेंशन, हस्बैंड बच्चे इन सबको अगर आप छोड़ के छोटे से टाइम के लिए बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक रिफ्रेशिंग टाइम होता है टू स्पेंड विद योरसेल्फ आल्सो एंड यू विल एंजॉय इट. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, आप बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं. मेरे ख्याल से फीमेल्स के लिए इससे अच्छी टीम नहीं है बाहर जाने के लिए. अच्छा ये तो आपने खास करके जो आपका बता रहे थे वो शादीशुदा महिलाएं कामकाजी महिलाओं के, पर जो कॉलेज गोयर्स या स्कूल गोयर्स फीमेल्स हैं उन और इसको एज ए चुनौती या उनको लगता है कि उनको एज ए कैरियर या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे कहीं तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में अगर आप नंबर रैंकिंग लेके आते हैं तो आप इसको एज ए कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं. इट्स अ गुड थिंग. अच्छा सो अभी आप यहाँ पे उसके बाद आप जापान में हैं, आपने जापान और साउथ कोरिया सियोल में कोई अंतर या किसी तरह का कोई फर्क आपने देखा दोनों कल्चर, क्योंकि जापानीज और दोनों में? बहुत कॉस्टली है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बट हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया और होटल स्टाफ इनफैक्ट और एयरपोर्ट स्टाफ ने भी हमारे लिए बहुत एक्सेप्शंस किए. मे बी ये सब चीजें इस वजह से हुई क्योंकि सर का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो किसी के साथ भी जब बात करते हैं तो कन्विंसिंग इतना होते हैं कि लोग हेल्पफुल हो जाते हैं. तो मैं कहूँ तो जापान में भी इट्स नॉट, अब जैसे ये रूम आप देखें दो हमारे पास कोरिया में बहुत बड़ा रूम था, बट जापान में भी बिकॉज जापान इज वेरी कॉस्टली ये छोटा रूम हमारे को जो दिया गया है इसमें भी सभी तरह की फैसिलिटीज हैं, इंटरकॉम से लेके मीरा से लेके आपके बेथिंग टब सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है. तो एंड वी आर सपोज टू जस्ट स्टे हियर फॉर नाइट, उसमें भी आपको अगर इतनी फैसिलिटीज इतना क्लीन रूम इतने अच्छे होटल में मिलता है तो आई थिंक इट्स समथिंग विच इज अमेजिंग. तो ये मैं सर को थैंक्स करना चाहूंगी इस चीज के लिए. तो आज आप भारत वापस लौट रहे हैं, तो क्या इतने दिन में आपको ऐसा लगा कि आपको काफी कुछ मिस कर रहे हैं भारत में या होमसिक महसूस कर रहे थे? होमसिक तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज मेरे लिए एक अच्छा वेकेशन था, एक अच्छा ट्रिप था जो मैं एंजॉय कर रही थी दिल से. बट हाँ मैं अपने घर अपने देश लौटना चाहूंगी बिकॉज मेरा वहाँ पे बेटा है जो मेरा वेट कर रहा होगा, तो
मुझे उसका भी कोई खुशी है कि मैं वापस जा रही हूँ। और आने वाले समय में आपका क्या प्लान है, लाइक अन्य चैंपियनशिप्स जो अन्य देशों में और बाकी जो होती हैं? मैं सर के साथ बिल्कुल टच में रहूंगी और इस तरह की कोई भी चैंपियनशिप जो किसी भी देश में होगी, सर मुझे अगर रेकमेंड करेंगे मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। हमारी शुभकामनाएं आभा जी आपके साथ हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह भारत और अपना टीम का सबका नाम रोशन करते रहें। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।